हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि ग्लैम एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मूवी पठान के बारे में, जिसका बस जिसका क्रेज चारों तरफ क्लियर कट देखा जा सकता है। और फिलहाल इस मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है फ्रेंड्स, और वो अपडेट है इसके डिजिटल राइट्स को लेके, कि इसके डिजिटल राइट्स को बहुत ही ज़्यादा मुँह मांगी कीमत जो बोला जाता है ना फ्रेंड्स, उतना मिला है। और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्राइस मिला है इसके डिजिटल राइट्स को। कितना मिला है, कौन सा OTT प्लेटफॉर्म दे रही है फ्रेंड्स, उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पठान मूवी बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड मूवी है शाहरुख खान की, और इस मूवी को लेके कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हालांकि हो रहे हैं, कुछ कुछ बवाल भी हो रहे हैं, पर मूवी चारों तरफ धूम मचा रही है फ्रेंड्स। चारों तरफ इसी मूवी की चर्चाएँ हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसके वजह से इसके OTT राइट्स को, इस डिजिटल राइट्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, जो कि लगभग नहीं फ्रेंड्स 100 करोड़ में, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 100 करोड़ में इसके डिजिटल राइट्स को बेचा गया है, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदा है। और लगभग 2 महीने के बाद, रिलीज के 2 महीने के बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाना है फ्रेंड्स। तो आप मान सकते हो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसे OTT पे स्ट्रीम कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस न्यूज को लेकर किसी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है, पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है इसके OTT राइट्स को 100 करोड़ में बेचा गया है फ्रेंड्स। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको कैसा लगा ये न्यूज़, प्लीज़ जो भी आपके मन में हो कमेंट के थ्रू शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।